ये एक चार लोगों की कहानी है, उनमें से मैं एक। ऐसे एक रात मैं अपने काम के लिए ढूंढ रहा था, एक मैसेज आया था। वो मैसेज में लाइफ चेंज करने के लिए कुछ बता रहा था, उतना ध्यान नहीं दिया, फिर अपने काम के लिए लग गया। फिर थोड़ी देर बाद एक और मैसेज आया था मुझे, ठीक 9 बजे, और लोकेशन भी शेयर किया था। ऐसे ही बाकी 3 लोगों को भी मैसेज आया था। आपने मैसेज किया था क्या? नहीं तो मुझे भी मैसेज आया था। कोई आ रहा है? आप लोग? आपने मैसेज भेजा क्या? मुझे भी मैसेज आया था यार। फिर किसने बुलाया होगा? और रुको, कोई आ रहा है। कुछ तो बोलो यार। हमें भी मैसेज आया था। हमको भी मैसेज आया था। फिर मैसेज किसने किया? मेरे को मैसेज आया था, इसलिए मैं यहाँ पे आया। तुमने नहीं बुलाया, उसने नहीं बुलाया, फिर किसने 9 बजे बुलाया हमें? अरे यार समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, पता दिमाग खराब हो रहा है। देखना यार, हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है। हमारे साथ कौन खेल सकता है? मुझे रात में मैसेज आया तो आ गया। मुझे भी मैसेज आया था। मुझे भी एक मैसेज आया था यार, वो मैसेज बहुत अजीब सा था।
उसमें कुछ ऑप्शन ही नहीं था, सिर्फ ऐसा रुको ही था। मेरी जिंदगी में बहुत सारी परेशानी है, सोच रहा हूँ कि चला जाता हूँ यहाँ से। अरे रुको, कोई और भी आ सकता है। मुझे नहीं लगता और कोई आएगा। इतना यकीन से कैसे कह सकते हो तुम? ऑलरेडी 9:30 बज चुके हैं, अगर आना होता तो अब तक कब का आ चुके होते। तो क्या सिर्फ हम चारों को ही बुलाया है? वैसे भी मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। ऐसे क्या हुआ था आपकी जिंदगी में? यार मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, मैंने अपनी फैमिली को खो दिया, उनकी यादों में मैंने सुसाइड किया। नेक्स्ट दिन देखता हूँ मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। मेरी जिंदगी में कुछ खाने को नहीं है, बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए, मेरे मामा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। मैं भी अपने काम के लिए यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था और मैं बहुत खर्चे में डूब गया था, इसलिए पिछले महीने 10 तारीख को मैं मरने की कोशिश की थी। मैं भी अपनी सौतेली माँ से परेशान हो चुकी थी और इसी वजह से मैंने भी सुसाइड करने की कोशिश की थी। तुम लोग की स्टोरी सुनने के बाद लगता मुझे अभी अपने बारे में बोलना पड़ेगा। तुम लोग के जैसे मैं भी अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी, पूरी तरह से टूट चुकी थी। एक बैड रिलेशनशिप के वजह से मैंने अपने आप को पूरा बर्बाद कर चुका था। और क्या डेट कहा था तुमने? लास्ट मंथ 10th। 10th उसी दिन मैंने भी सुसाइड किया था, पर अगले दिन जब मैं हॉस्पिटल में उठी तो जिंदा थी। मैंने भी उसी दिन किया था। मैंने भी 10th को सुसाइड किया था। इसका मतलब हम सब लोग ने एक ही दिन सुसाइड किया था? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, ये क्या हो सकता है? कौन है तू? क्या चाहिए तुझे? तुम लोग मुझे नहीं जानते, मगर मैं तुम चारों को अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम लोग ने अपनी लाइफ को मजाक बना के रख दिया है। तुम लोगों को कोई हक नहीं बनता कि तुम अपनी जान ले लो, क्योंकि तुम लोग आज जिंदा हो तो सिर्फ मेरी वजह से। फैमिली को ही नहीं बल्कि अपने आंखें भी खो दिए थे। आज तुम इस दुनिया को देख रहे हो सिर्फ मेरी आंखों की वजह से। तुम अपनी फैमिली इश्यूज की वजह से तुमने खुदकुशी की थी, पर तुम्हें तो ये भी पता नहीं था कि तुम्हारा हार्ट कितना कमजोर है, और जो दिल तुम में धड़क रहा है आज वो मेरी वजह से, मेरी हार्ट की वजह से। तुमने जहर खा के अपने दोनों किडनीज को खो दिए थे, आज मेरी किडनीज की वजह से तुम जिंदा हो। और तुम, तुम्हारे बीते हुए कल की वजह से तुमने नशे का सहारा लिया। तुम तो वैसे भी मरने वाले थे अपने लिवर खराब करके, पर मेरी लिवर की वजह से तुम भी जिंदा हो। बात का है कि मैं जीना चाहती थी, लेकिन मेरे एक्सीडेंट की वजह से मैं जी नहीं सकी, और मेरे शरीर के अंग तुम जैसे लोगों को दिया जो जिंदगी की कदर नहीं करते। मैं बस तुम लोगों से यही बोलना चाहती थी कि जिंदगी में हर एक इंसान को प्रॉब्लम्स आते हैं, पर इन सबका हल सुसाइड नहीं है, और तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम खुद को मार सको, क्योंकि ये तुम्हारी दूसरी लाइफ है जो मेरी वजह से मिली है। अब बस तुम लोग सोच लो कि जी के मुझे भी जिंदा रखोगे या फिर से मरने की कोशिश करोगे। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि आप सब एक साथ होकर खुश रहो और एक नई जिंदगी जियो।